उज्जैन में वन विभाग और एसटीएफ ने सूचना के आधार पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए वन्य जीव तस्करी मामले में धार जिले के एक व्यक्ति सहित 10 लोगों की दो टीमों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, जिनमें 6 पुरुष एवं 4 महिलाएं शामिल है। एसटीएफ एसपी गीतेश गर्ग के अनुसार पकड़ाए आरोपियों से एक रेड सेंड बोआ, 2 मुहा सांप जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2.25 करोड़ रुपए और सुनहरी उल्लू जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है बरामद किया है, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। सुनहरी उल्लू का उपयोग तंत्र विद्याओं में और क्रियाओं में किया जाना बताया जा रहा है। वहीं 2 मुहे सांप जिसका वजन करीब 6 किलो है, उसका उपयोग विभिन्न कीमती मेडिसिन बनाने के काम में किया जाता है। दोनों ही जीव दुर्लभ प्रजाति के बताया जा रहे हैं। साथ ही आरोपियों से एक कार टाटा टियागो MP09WD1151 भी जब्त की है। एसटीएफ द्वारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पकड़ाए एक आरोपी में राजगढ़ के मुकेश शिवलाल श्रीवास्तव भी है, जो कि क्षेत्र के एक धार्मिक संस्थान से भी जुड़ा हुआ है एवं विगत दिवस उसके परिजनों ने धार जिले के राजगढ़ थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। पूरे मामले का खुलासा होने के बाद क्षेत्र में कई तरह की कड़ियां भी जोड़ी जा रही है। छोटा पिंजरा था, किलो का रहता है और ये जितना मुंह तो एक ही होता है, लोग बोलते हैं मेरी ला रही है। दो दुर्लभ प्राणियों को रेस्क्यू कराया गया है। 2 मुहा सांप रेड सैंड बोआ को 6 लोगों के साथ में पकड़ा था और वन विभाग की टीम बुला करके उसको रेस्क्यू कराया गया। इसके अलावा एक अन्य टीम में 4 लोग थे, उनसे एक सुनहरा उल्लू गोल्डन ईगल आउल उसको पकड़ा था और वो वन विभाग के सहयोग से रेस्क्यू करा। सर ये कहाँ ले जा रहे थे, कहाँ तस्कर करने वाले थे? एक्चुअल में ये तो लोकल कोशिश कर रहे थे उसको सेल करने की और फाइनली ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय चाइना और बाकी जगहों पर अवैध रूप से भेजे जाते हैं। कुछ बताया सर अभी तक इन्हें पहले कहीं अभी पूछताछ कर रहे हैं उनसे। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत क्या वैल्यू ये तो डिपेंड करता है कि जो कौन लेता है वो किस तरह से, बाकी करोड़ों में इनकी कीमत रहती है। सर कितने लोगों को हिरासत में लिया है? टोटल 10 लोग हैं। ये इनके द्वारा बताया गया है कि ये कुछ मेडिसिनल यूज़ में भी आता है, इसके अलावा कुछ ताकतवर दवाओं को बनाने में काम आता है और लोग बाग खाते भी हैं इसको और इसकी स्किन भी यूज़ में। और उल्लू जो है उल्लू का बताया है कि ये तांत्रिक क्रियाओं में